वंस अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1। इन दिस लेक्चर वी विल डील विद द एग्रीकल्चर। क्लियर? सो टुडे वी विल स्टडी ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड आफ्टर दिस आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज। क्लियर? मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, वॉट एवर गिवेन इन योर बुक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। ओके, देखो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिलके बना होता है, एग्री और कल्चर। ठीक है, अगर लैटिन में देखें तो एग्री एक लैटिन में वर्ड है, एगर उसका मतलब होता है फील्ड। ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेट। तो एग्रीकल्चर सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी फील्ड में, ठीक है, चीजों को कल्टीवेट करना, उगाना कहलाता है क्या एग्रीकल्चर। लेकिन जब चीजों को उगाओगे, ठीक है, जब क्रॉप्स को उगाओगे तो एक या दो नहीं उगाओगे, लार्ज स्केल पे उगाओगे ना, पक्का। तो वही है एग्रीकल्चर, मींस फील्ड के अंदर लार्ज स्केल पे प्लांट्स को उगाने की टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, टेक्निक बोल दो या फिर बोल दो प्रैक्टिस। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन की बात करें तो ये लिख लेंगे एग्रीकल्चर मी, फिर ऐसे बना के लेंगे फील्ड और इसका मतलब टू कल्टीवेट। फिर डेफिनेशन लिखेंगे एग्रीकल्चर का, डेफिनेशन क्या होगा, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल, मतलब ह्यूज अमाउंट में क्रॉप को ग्रो करने की प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। तुम यहां प्रैक्टिस की जगह टेक्निक भी लिख सकते हो, मींस जो हम टेक्निक लगाते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन बोले मेरे साथ, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन लार्ज स्केल, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ऑन लार्ज स्केल नोन एज एग्रीकल्चर। डेफिनेशन याद हो गई, एक बार डेफिनेशन अपने मन में बोल लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ये किसकी डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की। तो अगर पूछा जाए डिफाइन एग्रीकल्चर तो क्या बोलोगे, इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल। क्लियर? चलो अब क्रॉप्स, यहां भी एक वर्ड आ रहा है क्रॉप, ये क्रॉप का एक्चुअली मतलब होता क्या है, चलो क्रॉप के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर देख लिया, आप सब हेडिंग पड़ेगी क्रॉप। ठीक, इसको थोड़ा इधर साइड पर तुम लिखना, कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, इधर लिखो साइड पर। तो वो मेन हेडिंग हो गई और ये इसकी सब हेडिंग हो गई क्रॉप। देखो अब क्रॉप की बात करें तो क्रॉप एक्चुअली है क्या, इधर देखें, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ये मान लेते हैं एक फील्ड है, फील्ड के अंदर क्या है, ये एक प्लांट है, ये प्लांट प्लांट मान लो ये है, ठीक है, ये प्लांट है। इस फील्ड में कुछ देखो, कुछ आपको सिमिलरिटी दिख रही है, मतलब जितने भी प्लांट हैं एक ही तरीके के हैं। अरे देखो ये प्लांट एम एम लिखा है ना, सारे मैंगो के ट्री हैं, दिख रहा है सारा प्लांट ना। अब मान लेते एक प्लांट ये था, ये प्लांट के टाइप है, ये मान लो एक फील्ड ये था जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट लगा रहे हैं। यहाँ पे सब प्लांट एक जैसे, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है। अब देखो ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये क्रॉप नहीं कहलाएंगे, क्रॉप उन्हीं को बोला जाएगा जब एक जैसे प्लांट लार्ज स्केल पे होंगे, जब एक जैसे प्लांट को लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किया जाएगा वही क्रॉप कहलाएंगे। बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल जैसे जब वीट की खेती होती है,
ठीक है, तो सब पूरे खेत में क्या आपको दिखता है, वीट ही दिखाई देता, गेहूं ही दिखाई देता है, उसी का प्लांट दिखाई देता है, तो उसे हम क्रॉप बोलेंगे। क्लियर? अब पैडी की खेती हो रही धान की, तो उसमें उसमें भी सेम जैसा होता है, वो भी अपना क्रॉप है। मतलब फील्ड में जितना भी हम ग्रो करते हैं मैक्सिमम एक ही जैसे प्लांट ढेर सारे होते हैं ना, तो उसे हम क्रॉप बोलेंगे। लेकिन आपके आस पड़ोस में एक प्लांट लगा होगा मैंगो का, एक नीम का लगा होगा, एक कोई फ्लावर का लगा होगा, मान लेते हैं सनफ्लावर का लगा है ना, एक किसी के यहाँ हिबिस्कस लगा है, वो क्या बोलते हैं गुड़हल लगा है, ठीक है, कि एक रोज लगा है। तो देखो यहाँ पे नंबर क्या है प्लांट्स का, एक एक या दो दो होंगे, लार्ज नंबर नहीं होगा तो उनको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये रोज का क्रॉप है, नहीं, एक या दो होगा तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, रोज का प्लांट या मैंगो का प्लांट। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे है सेम प्लांट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप। बात क्लियर हुई? अगर रोज के प्लांट पूरे खेत में लगा दिए जाए तब वो रोज का क्रॉप कहलाएगा, रोज का क्रॉप कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है? तो डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या लिखना है, क्रॉप क्या होता है, व्हेन सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर कल्टीवेटेड ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अ सीजन। अब ड्यूरिंग अ सीजन नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, यहां तक भी आपका चल जाएगा। ड्यूरिंग अ सीजन मतलब किसी सीजन के दौरान ना, सीजनल पौधे सीजनल ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि कभी भी हम पौधों को लगा देंगे। हर प्लांट को प्लांट करने का एक पर्टिकुलर सीजन होता है, मतलब जैसे आप अभी हम आगे पढ़ेंगे खरीफ और रबी क्रॉप, ठीक है, तो देखोगे कुछ क्रॉप जो है कुछ सीजन में उगेंगे और कुछ क्रॉप कुछ सीजन में उगेंगे, ठीक है। तो क्रॉप भी ये सीजनल वाइज होते हैं, सीजनल बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो अब वही देखेंगे हम लोग, सीजन के बेसिस पे क्रॉप कितने टाइप के हो सकते हैं, और इसके साथ साथ क्रॉप और कैसे डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप, तो पहले इसको लिख लें फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में। देखो क्रॉप को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहला बेसिस देखते हैं, पहला बेसिस क्या है, पहला बेसिस जो है क्रॉप को डिवाइड करने का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मतलब क्या, ओ ऑब्लिक कैपिटल बी, कैपिटल ओ ऑब्लिक कैपिटल बी का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। पहला बेसिस क्या है, सीजन के बेसिस पे। तो सीजन के बेसिस पे क्रॉप को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सीजन के बेसिस पे क्रॉप को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सीजन के बेसिस पे मींस कौन से क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो किए जाएंगे, इसके बेसिस पे क्रॉप तीन तरीके का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है रबी क्रॉप, दूसरा होता है खरीफ क्रॉप, और तीसरा होता है जैद क्रॉप। रबी खरीफ और जैद क्रॉप, तो ये तीन तरीके क्रॉप होते हैं सीजन के बेसिस पे, ठीक है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जैद क्रॉप। अब सीजन के बेसिस पे है तो इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा, सीजन के बेसिस पे पढ़ना चाहिए था। हाँ, सीजन के बेसिस पे भी नाम होता है इनका। इस रबी क्रॉप को हम कहते हैं विंटर क्रॉप, ठीक है, इस खरीफ को हम बोलते हैं मॉनसून क्रॉप, और इस जैद को हम बोलते हैं समर क्रॉप। तो विंटर सीजन क्रॉप, मॉनसून सीजन क्रॉप और समर सीजन क्रॉप या समर क्रॉप, ठीक है। तो ये तीन तरह के क्रॉप है, जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाएंगे वो सारे क्रॉप रबी क्रॉप कहलाएंगे, जो मॉनसून वाले होंगे खरीफ कहलाएंगे, जो समर होंगे वो जैद क्रॉप कहलाएंगे। देखो कोई भी क्रॉप होता है, ठीक है,
जैसे कोई भी प्लांट तुम फील्ड में लगाओगे तो उसके दो टेक्निक जरूर होंगे। कौन कौन से? एक तो सीड लगाने का और उसके बाद प्लांट को हार्वेस्ट करने का, कटाई करने का। तो पहले सीड लगाना और हार्वेस्ट करना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसके? कल्टीवेशन के, ठीक है। तो ऐसे ही हर क्रॉप के अलग अलग हार्वेस्टिंग पीरियड और शोइंग पीरियड होते हैं। शोइंग मतलब सीड को शो करना, बोना, और हार्वेस्टिंग मतलब कटाई करना। तो हर एक क्रॉप का अपना हार्वेस्टिंग और शोइंग पीरियड होता है। चलो वो देखते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप का पहला हम देखेंगे शोइंग पीरियड, मतलब कब शो करेंगे, ठीक है। ऐसे बॉक्स बना लूंगा आपको। ठीक, रबी क्रॉप क्या है? तो इसका शोइंग पीरियड क्या होता है? इसका शोइंग पीरियड होता है नवंबर। इसको हम लोग कब बोते हैं? नवंबर में बोते हैं, ठीक है। खरीफ पे आए तो इसको हम लोग बोते हैं जुलाई, ठीक है। इसको कब बोते हैं? जुलाई। अब जैद में आए तो इसको हम कब लगाते हैं? इसको हम लोग लगाते हैं मार्च, ठीक है। ये जुलाई भी हो सकता है, कहीं कहीं कुछ किताबों में जून भी दिया रहता है, ठीक। तो संकोच मत करिएगा, घबराइएगा नहीं, जून जुलाई वो था करेक्ट ऑप्शन के बेसिस पे है, ठीक है। जून लिखे जुलाई, वैसे ज्यादा प्रेफरेंस जुलाई को दिया जाता है, ठीक। तो स्विंग पीरियड क्या होगा? इसका नवंबर, इसका जून या जुलाई, और इसका स्विंग पीरियड जैद वाले का मार्च। अब इसको तो बोल दिया, कटाई कब करेंगे? तो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड देख लेते हैं। हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगा इसका? देखो नवंबर में हमने बोया और इसको हम लोग काटेंगे अप्रैल में, तो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है अप्रैल। तो अप्रैल में रबी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, खरीफ क्रॉप को अक्टूबर में किया जाता है, ठीक है। इसको किया जाता है अक्टूबर में, और जो जैद क्रॉप है इसको किया जाता है जून में, इसको हार्वेस्ट किया जाता है जून में। तो ये हार्वेस्टिंग और सोइंग पीरियड की बात थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। कहीं भी पूछा जाएगा तो रबी और खरीफ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो रबी को अगर पूछा जाए रबी के बारे में, व्हाट इज रबी क्रॉप, तो क्या बताओगे? द क्रॉप विच इज ग्रोन इन अ विंटर सीजन नोन एज रबी क्रॉप। ऐसा क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो किया जाए रबी क्रॉप कहलाएगा। फिर उसका लिखोगे शोइंग पीरियड नवंबर होता है, हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रैल। खरीफ क्रॉप पूछा जाए तो क्या बोलोगे? दोज क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो क्या लाएगा? खरीफ क्रॉप। या फिर ऐसे बोल सकते हो दोज क्रॉप विच इज डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून, ऐसे क्रॉप जो मॉनसून डिपेंडेंट होते हैं, मतलब बारिश पे डिपेंडेंट है, बारिश नहीं होगी तो क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे, तो खरीफ क्रॉप कहलाते हैं, ठीक है। जैद क्रॉप क्या होगा बताओ? दोज क्रॉप विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन कहलाएगा जैद क्रॉप। तो ऐसे क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो किया जाए रबी क्रॉप, ऐसे क्रॉप जो मॉनसून में सीजन में ग्रो किया जाए खरीफ क्रॉप, ऐसे क्रॉप जो समर सीजन में ग्रो किया जाए तो जैद क्रॉप कहलाएंगे। बात क्लियर हो रही है पक्का? अब आओ एग्जाम्पल पे, हार्वेस्टिंग स्विंग समझ में आ गया, एग्जाम्पल की बात कर ले। देखो रबी क्रॉप का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, सोचिए। ठंडक का क्रॉप है, ठंडक में क्या क्या लगाया जाता है? तो पहले तो वीट लगाया जाता है, इसी को अप्रैल में काटते हो, कुछ दिन पहले देखा होगा गेहूं की कटाई हो रही थी ना, हार्वेस्टिंग हो रही थी। इसके साथ साथ वीट के अलावा मस्टर्ड, ठीक है। अब जब गेहूं होता है तो उसी के साथ लगाया जाता है बार्ले, जौ। जौ देखा होगा जब भी हवन करते हो तो उसमें कुछ ऐसे गेहूं जैसा रहता है लेकिन उसकी मूंछ निकली रहती है गीली सी ना, वही है जौ, बार्ले। इसके अलावा और क्या विंटर में आपको मिलता है? पी, बीन्स, ये सब विंटर में ही तो खाने को मिलते हैं, ये क्या है? रबी क्रॉप ही है, ठीक है। वही आपको लगभग जनवरी में अच्छा खासा मिलने लगता है मटर, ठीक है। नवंबर लगाते हैं 2-3 महीने का होता है, फिर मिलने लगता है। इसके अलावा हो सकता है ओट्स, ठीक है, एक्सेट्रा।
तो ये सारे क्या है, रबी क्रॉप्स है, वीट, मस्टर्ड, बार्ले, बी, वीन, ओट्स एक्सेट्रा। अब खरीफ क्रॉप पे आते हैं, खरीफ क्रॉप क्या क्या हो सकता है? देखो खरीफ क्रॉप की बात करें तो पहले तो हो सकता है धान, पैडी, ठीक है धान। इसके साथ साथ और क्या लग सकता है, मेज, बारिश में आपको क्या दिखते हैं जो भी मेज होता है, मक्का होता है, वही खाने को मिलता है ना बारिश में, अच्छा खासा निकलता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हो सकता है कॉटन आपका, ये भी क्या है खरीफ क्रॉप ही है, ठीक है, और एक्सेट्रा लिख लो। तो ये तीन याद रखो जो कि बहुत जरूरी है, क्या क्या, पैडी, मेज और कॉटन, ये सारे क्या है खरीफ क्रॉप आते हैं, खरीफ क्रॉप में आते हैं। बात क्लियर हो रही है? अब उधर आते हैं जैद क्रॉप पे। जैद क्रॉप अभी चल रहा है, अभी अपन लोग इसी में तो है, तो अभी जैद क्रॉप चल रहा है मतलब इसकी हार्वेस्टिंग हो रही होगी, ठीक है, और धान की बुवाई अभी, वो धान लगा दिया हुआ खेत में, अभी बेरन जो ये उसकी बेरन निकालेंगे, ठीक है, और उसको हम खेतों में लगाएंगे लगभग 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, तब तक क्या आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, खरीफ, ठीक। तो मार्च और मार्च में लगाएंगे, जून में हार्वेस्ट किया जा रहा होगा, खत्म हो रहा होगा। अब सोचो मार्च में लगाया था और अप्रैल मई में कौन सी चीज बहुत अच्छे से मिल रही थी और अभी भी मिल रही है, सोचो सोचो। चलो मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। जिसमें वाटर का अमाउंट 92% होता है, कहते हैं ठंडक में खाना चाहिए, क्या है ये, वाटरमेलन और मास्क मेलन। इसके अलावा कुकुम्बर्स, ठीक है कुकुम्बर खाने को मिल रहा होगा, अच्छा खासा खीरा वो आ रहा है ना, और इसके साथ और क्या आ रहा होगा, बिटर गार्ड, करेला आ रहा होगा, वो भी लिख लेंगे, और अपना फेवरेट भी लिख लो पंपकिन, ठीक है एक्सेट्रा। तो ये सारे क्रॉप हैं जैद क्रॉप के एग्जांपल, और ये खरीफ क्रॉप के और ये रबी क्रॉप के एग्जांपल हैं। तो एटलीस्ट 2 एग्जांपल याद होने चाहिए सारे क्रॉप के, ठीक है, और इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, बस इसको सोचो सीजन वाइज, सोचो ठंडक में है, ठंडक में क्या खाने को मिलता है, ठंडक में मुझे खाने को मिलता है मटर, मतलब मटर बीन ना, और ये सब खाने को मिलता है। इसके अलावा और यहाँ पर क्या है, वीट है, मस्टर्ड, वीट लगाया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रैल ही है, तो ये भी क्या है विंटर क्रॉप। अब ये भी हो सकता है या फिर इसके बीच में भी क्रॉप खत्म हो सकता है, जैसे पी वीन ये थोड़े दिन के लिए होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको रबी क्रॉप उसी सीजन में होता है, ठीक है। बार्ले, जौ, ये सब अभी हो रहा होगा, और गेहूँ की जस्ट पहले कटाई हुई होगी, किसकी, सरसों, ठीक। पैडी, मेज, कॉटन, आप सोचो अभी लगने वाला है, मक्का भी अभी लगाने वाले हैं हम लोग, और धान भी लगाने वाले, कॉटन की खेती भी इसी सीजन में करी जाती है। कॉटन कहाँ उगते, कौन से सॉइल में उगाया जाता है, ब्लैक सॉइल में, महाराष्ट्र और गुजरात साइड में, ठीक है, कॉटन का प्रोडक्शन होता है, हिंदी में कहते हैं कपास। इसके अलावा सोयाबीन भी हो सकता है, सोयाबीन भी इसी सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक। जैद क्रॉप पे आए तो ये भी सीजन वाइज सोचो, तो अभी मस्क मेलन, तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब खाने को मिल रहा है ना, तो सारे एग्जाम्पल लिख डाल, समझ आ गई बात। तो ये बात थी टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन की। तो अब अगला टाइप हम पढ़ते हैं, इसको राइट करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे दूसरा बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, मींस जो क्रॉप है उसका फ्यूचर यूज क्या होगा, मींस किस लिए हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। तो यूजेस के बेसिस पे क्रॉप को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, कहीं देखो किताबों में जनरली 2 टाइप दिए होते हैं, ठीक है, तो वही हम दोनों डिस्कस करेंगे, और होते एक्चुअली 4 हैं, ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप और हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी होते हैं, तो उसको हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, वो बियॉन्ड द लेवल है, हमारे लेवल से ऊपर है बहुत ज़्यादा, बस 2 याद रखो, ये 2 हमेशा आपके काम आएंगे, ठीक है, जो और 2 है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यूजेस के बेसिस पे क्रॉप 2 तरीके के होते फर्दर, एस
ऐसे लिखो कि सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस क्रॉप को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला किया गया कि जो क्रॉप है अगर फूड के लिए उगा रहे हो तो कहलाएगा फूड क्रॉप, मतलब क्रॉप उगा रहे हो ताकि उससे आपका जो रिक्वायरमेंट है फूड का वो पूरा हो जाए, केवल खाने के लिए उगा रहे हो तो फूड क्रॉप, पैसे के लिए उगा रहे हो कि हम उगाएंगे और उसको बेच के हम पैसा ले लेंगे तो कहलाएगा कैश क्रॉप, कहलाएगा कैश क्रॉप। तो फूड क्रॉप और कैश क्रॉप, ठीक है। फूड क्रॉप की बात करें तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो पहले तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, फूड सॉरी क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर विच आर ग्रोन फॉर फूड, जो फूड के लिए ग्रो किए जाते हैं ऐसे क्रॉप को हम फूड क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से जो क्रॉप है वो फूड के लिए ग्रो करते हैं हम लोग, जैसे वीट है, हम गेहूँ उगाते हैं ताकि हमें साल भर खाने को मिल जाए, ठीक है। राइस है ना, इसके अलावा मेज है, मक्का लगाते हैं ताकि खाने को मिल जाए, ठीक। हालांकि बात वो अलग है कि हम थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो उसको बाजार में बेच देते हैं, लेकिन मेनली हम उगाते इसीलिए हैं ताकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो पूरा हो जाए, फूड का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, एक्सेट्रा, ठीक है। वीट, राइस, मेज, ये सब सारे क्या है, फूड क्रॉप है, इसको हम फूड के लिए उगाते हैं, ठीक है, खाने के लिए मेनली उगाते हैं। इसके अलावा कैश क्रॉप पे है, तो ऐसे क्रॉप जो पैसे के लिए उगाया जाए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए उगाया जाए, प्रॉफिट के लिए उगाया जाए, वो क्या कहलाएंगे, कैश क्रॉप। तो लिख लेंगे क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर सोर्स ऑफ इनकम नोन एज कैश क्रॉप। तो ऐसे क्रॉप जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए या फिर हैज लिख लो ऑब्लिक लिख लो प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ऐसे क्रॉप जो सोर्स ऑफ इनकम या फिर प्रॉफिट के लिए उगाए जाते हैं उन्हें उसे हम क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं, मतलब जो पैसे के लिए सिंपली उगाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो फिर क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, चलो बताओ, शुगर केन, गन्ना, वेरी गुड। शुगर केन हम उगाते हैं तो क्या करते हैं, सीधा उसको मेल भेज देते हैं ना, उसको घर पे थोड़ी रखते कि साल भर शुगर केन बैठ के खाएंगे चबाएंगे, नहीं, शुगर केन तो हम खाते नहीं, उसको सीधा मेल भेज देते हैं, शुगर केन। इसके अलावा और क्या हो सकता है, कॉटन उगाते हैं हम लोग, ठीक है, वो भी कहा सीधा हम मेल में भेज देते हैं कि कॉटन कौन बैठ के खाएगा यार। इसके अलावा और जूट उगाते हैं लोग, उसको भी क्या सीधा मेल में भेजते हैं, ठीक है, और ऑयल सीड्स, ठीक, ये सब उगाते हैं और सीधा हम कहाँ भेज देते हैं, मेल में, और पैसा कमा लेते हैं, ठीक। तो आम भाषा में इसको कहते हैं खड़ी खेती, खड़ी खेती मतलब सिंपल खाली उगाओ और उसको बेच दो पैसा आ जाए, ठीक है। तो पैसे के लिए जो इन सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं उन्हें कैश क्रॉप बोलेंगे, और जो फूड के लिए ग्रो करे जाते हैं उसे हम फूड क्रॉप कहेंगे, जैसे वीट, राइस, मेज एक्सेट्रा, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड, ये सारे कैश क्रॉप। तो ये टाइप्स ऑफ क्रॉप के बारे में था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मींस कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं, इसको देखें फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर का, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। देखो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म ड्यूरिंग द कल्टीवेशन, मीन्स कल्टीवेशन के दौरान जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। जैसे समझे, मान लेते हैं अपने पास ये फील्ड है, ठीक है, और जो एक्टिविटीज मैं बता रहा हूँ उसको, आपको छोटा सा गार्डन आपके पास होगा, उस गार्डन में ये पूरी एक्टिविटी करनी है। अगर गार्डन नहीं है तो आप पॉट में कर सकते हो, क्या करना है, पहले जो फील्ड होते हैं उसके हम प्लगिंग करते हैं, जुताई कराते हैं, खेत बनाते हैं, ठीक है, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं, सॉइल बनवाते हैं जुताई करा के, जो भी खेत होगा उसमें हम जुताई कराएंगे, ठीक है, जुताई को क्या बोलते हैं, प्लगिंग, प्लगिंग कराएंगे खेत का, तो सॉइल प्रिपेयर कराएंगे, ठीक है, प्लगिंग कराने के बाद लेबलिंग कराते हैं, लेबल कराते हैं, लेबल हो जाए खेत, ठीक।
प्लगिंग और लेबलिंग, इसको बोलते हैं सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल बनाया पहले, सॉइल को बना लिया, अच्छा कर लिया ना, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम मैन्योर ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? मैन्योर या फिर हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। देखो मैन्योर क्या है, देसी खाद जो है, ऑर्गेनिक मैन्योर जो भी है आपका, अरे जो भी गोबर वाली खाद है वो मैन्योर है। और फर्टिलाइजर जो हम लोग इंडस्ट्री से केमिकल्स लेके आते हैं डालते हैं, जैसे जो दुकानों से आता है ना बोरी में NPK, यूरिया, ये सब लिखा रहता है ना, डाइज, ये सब लिखा रहते हैं, सल्फेट, ये सारे जितने भी हैं वो सब क्या है, फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स विच आर फॉर्म इन अ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज में केमिकल्स बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। और मैन्यूर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, मीन्स एनिमल या फिर प्लांट के वेस्ट से जो बनता है खाद, उसे हम क्या बोलते हैं, मैन्यूर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, जैसे गोबर मैन्यूर और ये फर्टिलाइजर, समझ में आई गया? तो मैन्यूर फर्टिलाइजर में समझ में आया, ये क्या होता है, केमिकल होता है जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो भी प्लांट और एनिमल का वेस्ट है। ठीक, तो पहले हम सॉइल को प्रिपेयर किए, प्लगिंग किए, जुताई कराए, फिर मैन्यूर और फर्टिलाइजर ऐड किए। ठीक है, अब देखो मैन्यूर और फर्टिलाइजर ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि बार बार खेती करते हैं तो बार बार खाद डालते हैं, क्यों? देखो जब भी प्लांट ग्रो करता है तो इस सॉइल के अंदर जितना भी मिनरल रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, तो प्लांट के साथ मिनरल चला गया, तो इस सॉइल में क्या हो जाएगी, मिनरल की कमी, और सो जो मिनरल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, प्लांट ग्रो ही नहीं करता। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाएगी, कमजोर, तो इसलिए मम्मी बोलते हैं क्या, दूध पियो, ठीक है, मिल्क पियो, तो इससे क्या होगा, कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा तो आपकी हड्डियां क्या हो जाएंगी, मजबूत होंगी। ठीक है, और जो भी आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है, आपको पर डे 2 ग्लास मिल्क और 2 बनानास ये जरूर लेना है। ठीक है, हाँ, इससे क्या होगा, आपकी जो बोन्स है वो मजबूत होंगे, टीथ आपके मजबूत होंगे, साथ साथ आपकी ग्रोथ भी बढ़िया होगी, और ग्रोथ के साथ साथ आपकी मेंटल ग्रोथ भी होगी, और मेंटल ग्रोथ तो हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता है, क्यों आर्यन तुम नहीं चाहते हो, चाहते हो ना रिद्धिमा, तुम नहीं चाहती हो, चाहते हो, हर कोई चाहता है, चाहता नहीं चाहता, आयुष तुम नहीं चाहते हो, चाहते हो ना, विधि आयुष स्तुति सब हर कोई चाहता है कि उसका मेंटल ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्या, 2 ग्लास मिल्क पर डे एंड 2 बनानास, मतलब 2 ग्लास मिल्क दिन भर में, चाहे एक सुबह ले लो एक शाम में ले लो, ठीक है, 2 ग्लास जरूर लेना पूरे 24 आवर में, और 2 बनाना जरूर खाने, चाहे वो गर्मी हो बरसात हो कुछ भी हो। ठीक है, मम्मी से बोल देना, सर बोले हैं, ठीक, अगर मम्मी नहीं माने तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको दिखा देना, क्लियर, चलो आते हैं। तो जैसे हमें मिनरल की रिक्वायरमेंट है, ऐसे प्लांट को भी मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक बार प्लांट लगा मिनरल ले लिया तो मिनरल तो रहा नहीं, तो हम क्या करते हैं, बाहर से खाद डालते हैं ताकि मिनरल फिर से सॉइल के अंदर आ जाए। ठीक है, अब खाद भी डाल दिया, खेत भी बना लिया, जुताई करा ली, अब हम करेंगे क्या, सोइंग, सीड लगा दिया, सीड लगा दिया, ये देखो, और सीड लगाते समय 2 बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। किन 2 बातों का बहुत ध्यान रखना होता है, देखो जो सीड हम लगा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, हेल्दी, मतलब हेल्दी सीड लगानी है, ऐसा सीड नहीं कि खराब सीड था उसको लगा दिया, अब सीड ही खराब है तो क्या ग्रो करेगा, नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, तो हेल्दी सीड लगा रहे, अब सोचो हेल्दी सीड कैसे पहचानेंगे, हम लोगों के पास दिमाग में यही आएगा, सर हम मुझे ये बताइए हेल्दी सीड कौन सा होगा, अनहेल्दी कौन सा होगा, कैसे पता लगाएंगे कौन सा सीड बढ़िया कौन सा खराब। तो घर में कभी देखा हो, मम्मी क्या करती है, अगर जिसके यहाँ फार्मिंग होती होगी तो होता क्या है, जैसे गेहूं लगाना है तो एक रात गेहूं को भिगो दिया जाता है ना, पानी के अंदर डाल दिया जाता है, तो जो गेहूं रहता है, ठीक है, हेल्दी वाला नीचे बैठ जाता है, जो अनहेल्दी रहता है ऊपर फ्लोट करता है, और सुबह इसको हटा देते हैं, हेल्दी वाला नीचे बैठ गया और अनहेल्दी वाला ऊपर फ्लोट किया, ऐसे ही पैडी धान का भी करते हैं। ठीक, अभी कुछ लोगों के यहाँ लग भी रहा होगा, अगर जिसको नहीं पता वो अपने पापा मम्मी से पूछ लेंगे ये बात कि पापा बताइए कि अगर हम धान लेके आते तो उसको भिगोते क्यों है, गेहूं को भिगोते क्यों, तो बताएंगे आपको कि हेल्दी और अनहेल्दी को अलग करने के लिए, जो सीड खराब है उनको हटाने के लिए। ठीक, नहीं पता तो उनको बता देना आप। ठीक,
आप इंटेलिजेंट हो। तो पहला क्या है, हेल्दी सीड हमें लगानी। दूसरी बात, सीड लगाते समय हमें बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का ध्यान रखना है कि सीड ना तो बहुत नीचे होना चाहिए और ना ही ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो सीड शुड बी सोन एट अ प्रॉपर लेवल, मतलब एक प्रॉपर लेवल और डेप्थ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में डाल दिया, बहुत गहराई में डाल दोगे तो उसको एयर नहीं मिल पाएगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगा, क्या ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सीड को ग्रो करने के लिए एयर, वाटर, सनलाइट और वार्म भी चाहिए, ठीक है, ये चारों चीज चाहिए। जब है ही नहीं उसके पास, जब गड्ढे में चला गया, गहराई में चला गया, तो सनलाइट नहीं मिला, एयर भी सही से नहीं मिला, तो क्या ग्रो करेगा? नहीं ग्रो करेगा। तो एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है डेप्थ का उतना होना चाहिए सीड को लगाने समय। तो सीड ज़्यादा गहराई में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सीड ऊपर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सीड को बस ऐसे ऊपर डाल दिया खेत में, अब इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होगा? इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होगा, जो भी बर्ड्स हैं, जो भी इंसेक्ट हैं सीड ईटिंग, वो क्या करेंगे, सीड को देखेंगे, खा के निकल जाएंगे। आप मान लेते सीड ऐसे चल फेंक के चले गए, ठीक है, अगले दिन आए तो आपको लगा सीड जमीन के अंदर चला गया, मिट्टी से ढक गया, और हुआ क्या था, बर्ड आई थी सीड को चुप के जा चुकी थी, तो क्या वहाँ प्लांट निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसीलिए सीड लगाते समय प्रॉपर डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रॉपर डेप्थ के लिए हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की मदद से हम सीड लगाते हैं, ठीक है। आलू बोने वाली मशीन देखा होगा, जिसने नहीं देखा पापा मम्मी से पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा गेहूँ बोने वाला रोटावेटर देखा होगा, रोटावेटर वो क्या करता है, वो चलता रहता है, गेहूँ डाल देता है, वो मिक्स कर देता है, ठीक है, उसको ढक देता है, समझ आ रहा है। तो ज़्यादा गहराई में नहीं जाता सीड भी, आपका गहराई में नहीं जाएगा तो अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक। फिर दूसरी बात, एक बात का और ध्यान रखो क्या, कि जो सीड लगाना है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगाना है। ये नहीं कि सीड को बहुत पास पास लगा दिया या बहुत दूर दूर लगा दिया, एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ लगा, एक अगला लगभग वन हैंड स्पान स्पैन के बाद, मतलब एक हैंड, मतलब एक वित्ते के बाद अगला, फिर अगला, फिर अगला। अब डिस्टेंस का क्या जरूरत है, देखो अगर पास पास हो जाएंगे तो उनके बीच में होने लगेगा कॉम्पिटिशन ना, उनके बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होने लगेगा। कॉम्पिटिशन होगा तो ना मिनरल सही से एक प्लांट को मिल पाएगा ना दूसरे को, ठीक है। देखे समझे, जैसे मान लेते यहाँ पे मिनरल था, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट पहले ग्रो कराया, अच्छे से ग्रो कर दिया। अब इसी एरिया में, इतने ही एरिया में अगर हमने दो प्लांट लगा दें, ये ठीक है ये, तो अब मिनरल दो पार्ट में बट गया ना, पहले तो इसको पूरा मिनरल मिल रहा था, अच्छे से ग्रो कर रहा था, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे, और प्लांट लगा दोगे, चार लगा दोगे तो और थोड़ा मिलेगा, और थोड़ा मिलेगा तो और बेकार से ग्रो करेंगे। अगर जितना ज्यादा तुम प्लांट एक पास पास लगाओगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन कम होता चला जाएगा, उतना ही प्लांट खराब होगा, ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस क्या था, सोइंग ऑफ सीड। सीड लगाते समय क्या करना है, हेल्दी सीड लगाना है। दूसरा क्या, ज्यादा डेप्थ में नहीं लगाना है, ना ज्यादा ऊपर रखना है। और तीसरी बात क्या है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड को लगाना है। तो सोइंग ऑफ सीड हो गया। सोइंग ऑफ सीड के बाद अब क्या करते हैं, जो भी सीड हमने लगाया उसकी सिंचाई करते हैं, खेतों की सिंचाई करते हैं, इरीगेशन करते हैं। अब क्या करेंगे, इरीगेशन, सिंचाई करते हैं, ये प्रोसेस तो देखता होगा, इरीगेशन करेंगे, ठीक। अब इरीगेशन में क्या होगा, सिंचाई और वाटरिंग ऑफ प्लांट, प्लांट को वाटर करोगे ना। तो इरीगेशन का डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे, वाटरिंग ऑफ प्लांट एट अ पर्टिकुलर इंटरवल, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे क्या प्लांट्स को क्या देना, पानी देना, क्या कहते हैं, इरीगेशन। अब इरीगेशन के दो मेथड हैं, एक मॉडर्न है और एक ट्रेडिशनल है। जो भी पुराने मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड, उसमें क्या हम जो भी आपका वो बैल होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं। बैल की मदद से हम पानी निकालते हैं, देखा होगा पुरानी मूवीज में बैल ऐसे रोटेट करते रहते हैं, पानी निकलता रहता है। बाहुबली मूवी देखा है, जो पानी गड्ढे से निकालते हैं, कुछ उस तरीके से भी हम पानी निकालते थे ना ट्रेडिशनल मेथड में। तो ट्रेडिशनल मेथड चार होते हैं, रहट, ढेकली, ठीक है, और आपका मॉड और चेन लीवर सिस्टम। रहट, रहट में बैल का इस्तेमाल करते हैं, ढेकली, ठीक है, और तीसरा क्या है, अभी बताया, मॉड, और चौथा है चेन लीवर सिस्टम। खींचते थे ना उससे वेल से पानी निकालने के लिए, वेल से पानी निकालने के लिए हम क्या लीवर का इस्तेमाल करते थे, और एक पुली होती थी और चेन होता था उससे हम निकालते थे। बात क्लियर हुई। और मॉडर्न मेथड में क्या है,
मॉडर्न मेथड में हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम, ठीक है, और एक होता है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकल सिस्टम में एक नेजल रखा होगा, इसे चारों तरफ घूमेगा, फुहारा निकल रहा होगा, ठीक, और सारे प्लांट को पानी मिल जाएगा फुहारे के फॉर्म में। कभी कंपनी गार्डन गए हो तो कंपनी गार्डन में अक्सर रखा होता है, ऐसे घूमता रहता है, पानी चारों तरफ जाता रहता है, ठीक है, तो क्या है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल के फॉर्म, फुहारे के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। और अगला सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ऐसे पाइपलाइंस होती हैं, बीच में क्या होगा छोटे छोटे होल्स होंगे, इससे एक एक ड्रिप गिरता रहेगा, तो जहाँ प्लांट होगा उसी के पास एक एक ड्रॉप गिरता रहेगा, ठीक है, एक ड्रॉप गिरता रहेगा, प्लांट को पानी मिलता रहेगा। तो ड्रिप सिस्टम क्यों आया, देखो ड्रिप सिस्टम सबसे लास्ट में आया, क्यों आया, देखो ढीकली और जितने भी ट्रेडिशनल मेथड थे उसमें मेहनत भी करनी पड़ती थी, वाटर का वेस्टेज भी ज़्यादा होता था। जैसे मोटर वाला सिस्टम अभी अपने पास है, ऑन किया पानी भर रहा है, भरते 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 बहुत ज़्यादा भर जाता है पानी, फिर कट के कहीं और चला जाता है, वेस्ट हो जाता, नहीं हो जाता है, तो पानी का वेस्टेज ना हो स्प्रिंकल सिस्टम आया, ठीक है, स्प्रिंकलिंग फुहारे से गया। लेकिन जब देखा गया फुहारों में भी थोड़ा बहुत क्या पानी का वेस्टेज हो ही जाता है, क्योंकि लगातार चल रहे हैं और पानी जा रहा है, तो क्या होता है, देखा होगा गुंडी गार्डन पानी साइड से निकल रहा होता है ना, तो उससे पानी का वेस्टेज उसमें भी होता है। तो यहाँ पे आ गया अगला सिस्टम ड्रिप सिस्टम, ड्रिप से पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है, ठीक, इरिगेट कर दिया। अब इरिगेशन करने के बाद कीड़े मकौड़े आएंगे, ठीक है, कुछ खरपतवार उगेंगे, वीड्स उगेंगे। अब खरपतवार जो उगेंगे वीड्स ना, उनको ख़त्म करने के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, कहलाएगा वीडिसाइड। जो इंसेक्ट आएंगे, जो भी पेस्ट आएंगे, पेस्ट मतलब ऐसे इंसेक्ट और एनिमल्स जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप को खराब कर देते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल हम लगाएंगे कहलाएगा पेस्टिसाइड, ठीक है, तो वीडिसाइड और पेस्टिसाइड। वीड को मारने के लिए खरपतवार को मारने के लिए वीडिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, ठीक है। फिर ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे उसकी हार्वेस्टिंग। क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करेंगे उसको, कटाई करेंगे, कटाई करने के बाद उसको हम स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ये इतना प्रोसेस होता है सोइंग से लेके स्टोरेज तक, क्या कहलाते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो अब सारे पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं वन बाई वन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो मैंने अभी बताया आपको। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला, जिसमें होता क्या, प्लगिंग और लेवलिंग। पहले हम जुताई करते हैं, प्लगिंग मतलब जुताई करना, और जिस हम इंस्ट्रूमेंट से करते हैं उसे हम प्लग कहते हैं, हल, ठीक है, लेवल करते हैं, फिर खेत को हम लेवल करते हैं, लेवल कर देते हैं ताकि जब हम इरिगेट करें और सीड को सो करें तो एक प्रॉपर तरीके से हो, ठीक। उसके बाद क्या होता है, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, ताकि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाए, सॉइल इनरिच हो जाए न्यूट्रिएंट में, ठीक है, इट इनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स सॉइल को इनरिच कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स से, ठीक है। फिर आप सीड लगाएंगे, हेल्दी सीड को हम लगाएंगे और अप्रोप्रिएट डेप्थ होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। हेल्दी सीड और अनहेल्दी सीड को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं, वाटर की मदद से, ठीक। इरिगेशन के दो मेथड हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल में रहर, ढीकली, मोड, चेन लीवर सिस्टम है, और मॉडर्न मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप सिस्टम, क्लियर। तो इन चारों के डायग्राम आप नेट से निकाल के कॉपी में बना लिए और इन दोनों के भी, ठीक है, जहाँ पे लिखेंगे। अगला होगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट, वीड्स और पेस्ट से प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक। फिर हार्वेस्ट करेंगे और फिर स्टोरेज करेंगे, क्लियर। अब ये जो है इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे आप लिखते हैं, सीधी कॉपी ऐसी होगी, ठीक है, इसको ऐसे ऐसे टर्न करेंगे, यहाँ लिखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और ये बड़ा सा चार्ट बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो जगह बचेगी वहाँ क्या लिखना है बता रहा हूँ, ऐसे पूरा ये लिख लेंगे, और इधर वाले पेज पे, इधर तो ब्लैंक होगा, इधर आप रहली इन सबका डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे कॉपी में। अगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं तो आप नेट से निकाल के आप पेस्ट कर लेंगे, नेट से निकाल के कट करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन सब के भी आप कर सकते हो, ठीक है, इसका ये आपको मिल जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड आपके किताब में बना है, वो डालता हुआ मतलब दवा डालता हुआ किसान, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हल चल रहा है वो भी दिख जाएगा। तो कुल मिला के आप जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन ये ज़रूर करना है इरीगेशन वाला जो सारे सिस्टम है इसको, चाहे आप ड्रॉ करें चाहे कट करके आप कॉपी में पेस्ट करें, क्लियर। इसके अलावा उसके नीचे आप क्या लिखोगे, वीड्स की डेफिनेशन। वीड्स क्या होते हैं, वीड्स ऐसे प्लांट होते हैं
जो क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं लेकिन हमारे कोई काम के नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट जो अपने आप प्लांट क्रॉप के साथ ग्रो हो जाए, ठीक है, ऐसे प्लांट जो अपने आप क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं वीड्स, हमारे कोई काम के नहीं होते हैं, आसान भाषा में बोले तो खरपतवार। तो अनवांटेड प्लांट्स विच आर विच ग्रोज अलोंग विद क्रॉप्स, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स मतलब हमारे चाह के, अनवांटेड मतलब हमारे किसी मतलब के नहीं है, ठीक है, हमारे चाह के नहीं, तो ऐसे प्लांट जो अपने आप क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, वो कहलाते हैं वीड्स। अगला होता है पेस्ट। अब कुछ एनिमल और इंसेक्ट क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्रॉप को खराब कर देते हैं, ऐसे एनिमल और इंसेक्ट जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। अब वीड्स और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मतलब इनसे बचाने के लिए क्रॉप को, मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी हम केवल केमिकल मेथड ही पढ़ेंगे, मतलब केमिकल का छिड़काव करते हैं उन केमिकल के बारे में पढ़ेंगे बस, ठीक है। तो वीड से बचाने के लिए क्रॉप को सीड सॉरी वीड से बचाने के लिए जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं वीडी साइड। तो वीडी मतलब वीड, साइड मतलब पॉइजन, तो ऐसा केमिकल जो वीड के लिए खरपतवार के लिए पॉइजन है कहलाएगा वीडी साइड, ठीक है। अब पेस्टिसाइड क्या होगा, पेस्ट मतलब पेस्ट और साइड मतलब पॉइजन, ऐसा केमिकल जो पेस्ट के लिए पॉइजन है, पेस्ट मतलब एनिमल और इंसेक्ट जो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनके लिए जो पॉइजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड जैसे डीडीटी एक एग्जांपल है, वीडीसाइड 2,4-D ना, मेटक्लोर, ठीक है, ये बहुत सारे आपके वीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल है। हालांकि आपको ये टर्म्स याद रखने, वीडीसाइड पेस्टिसाइड का मतलब वीडी मतलब वीड है और साइड मतलब पॉइजन, तो ऐसे केमिकल जो वीड्स को खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं, वो कहलाते हैं वीडीसाइड। तो केमिकल्स विच किल्स द वीड्स नोन एज वीडीसाइड, केमिकल्स विच किल्स द पेस्ट क्या कहलाएगा, पेस्टिसाइड। बात समझ में आया। अब अगला प्रोसेस क्या है, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट करेंगे, कटाई करेंगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ती है और उस मशीन को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर, हार्वेस्टर लाते हैं और कटाई कराते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर करते हैं, अब जो भी क्रॉप निकलेगा उसको हम प्रॉपरली सुखा के रखते हैं, ड्राई करके स्टोर करते हैं, ऐसा नहीं कि गीला कर दिया, गीला कर दोगे तो आपका जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगा, तो उसको ड्राई करके बड़ी बड़ी ग्रेनरीज गोडाउन में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, स्टोर करते हैं इसलिए ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े उस क्रॉप की तो हम उसको फर्दर यूज में ला सकते हैं। बात क्लियर हुई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर वन आपका यहीं पे फिनिश होता है। अब आपको करना क्या है, आपको पहले तो एग्रीकल्चर से लेके लास्ट पॉइंट तक आपको रीड करना है, ठीक है, बुक की रीडिंग करना, एक एक पॉइंट समझना है, जो नहीं समझे उसको अंडरलाइन करें, डिक्शनरी में देखें, एकदम नहीं समझ में आता तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर, ठीक, अच्छे से करेंगे। उसके बाद के अलावा आपको क्या रहा गया है, आप आओगे किस पे, एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, जो भी एक्सरसाइज दी है आपको कर, एमसीक्यू से फिर इन द ब्लैंक से मैच द कॉलम, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स इन वन वर्ड्स, ये सारे आपको अपने मन से सॉल्व करना है, बिना पीछे देखे सब सारा अपने मन से सॉल्व करो, देखो कितना तुम्हें याद है, ठीक है, जो भूल जाते हो फिर पूरा सॉल्व करने के बाद एक बार फिर पीछे देख लेना, बाकी मैं इसको सेंड कर दूंगा, जिसको कहीं भी डाउट हो वो फर्दर मुझसे पूछ सकता है, क्लियर, पूछे आंसर भी मैं सेंड कर दूंगा इसके नीचे, ठीक है, जो भी नोट्स लिखा इसके नीचे आप क्वेश्चन आंसर केवल कॉपी में राइट करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स और ये सब है, एक बुक में पूरा एकदम फिल करेंगे, सबकी बुक्स चेक होंगे स्कूल खुलने के बाद, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2।